गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना जो डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस का जो नेक्स्ट टॉपिक है, टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस। इन दैट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है समर 2019 के एग्जाम में। वो क्वेश्चन आया था समर 2019 के एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन 6 मार्क के लिए, समर 2019 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर शो इन फिगर। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी, ये डायग्राम आपको गिवन थी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है अपने पास। इस क्वेश्चन पेपर में ये डायग्राम आ चुकी है, क्वेश्चन 6 मार्क के लिए, अटेम्प्ट 82 में 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। डॉ द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर शो इन फिगर। तो अभी इसको हमें क्या बनाना है, एक डेवलपमेंट इसका बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना ली है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, इसकी हाइट जो है 80 mm दी है, इसकी डायमीटर 60 mm है, यहाँ का जो एंगल है 30 डिग्री, यहाँ का 60 डिग्री है, टॉप ऑफ कॉर्नर से उसने एंगल 45 लिया है और यहाँ से रेडियस उसने 30 mm का लिया है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इसका जो इनिशियल व्यू है इसके बारे में देखते हैं। सो सिलेंडर है इसलिए इसका जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू में हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक 3 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल कंप्लीट किया है और इसको फिर मैंने 12 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको अभी नेमिंग कर लेता हूँ। ट्वेल्थ पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसका नेम 12 तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके सारे जो प्रोजेक्शन से ऊपर लेके जाना है और यहाँ का जो फ्रंट व्यू है इसको आपको कंप्लीट करना है। ये फ्रंट व्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मिल जाएगा। उसके बाद अभी सबसे पहले जो अपने को जो काम करना है वो है इसके जो प्रोजेक्शन से, सारे प्रोजेक्शन को आपको ऊपर लेते हुए जाना है, इसको पैरेलल लेके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं पहले सबसे पहले 5th और 9 का प्रोजेक्शन ऊपर लेके जा रहा हूँ, फिर 6 और 8 का। इसी तरह हमें ये जो लास्ट वाले बाजू के जो पॉइंट्स है इसके भी पोजिशन हमको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, हमने कहा कि अभी जो अपने जो प्रोजेक्शंस थे वो सभी प्रोजेक्शंस हम ऊपर लेके गए। उसके बाद इसके जो नेम है आप यहाँ पे देख सकते हो, 1-2-3, यहाँ पे 4 आएगा, 5, इसके बाद 6, इससे 1, इसके बाद 8-9, 10-11 और 12। ठीक है, इसके नाम भी हमने अभी यहाँ पे दे दिए। इतना होने के बाद हमको अभी इसकी बनानी है डेवलपमेंट शीट। तो अगर सिलेंडर होगा तो सिलेंडर का डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला रहता है लेंथ मल्टी इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। तो यहाँ पे इसकी पाई की वैल्यू आपको कॉन्स्टेंट लेनी है, डायमीटर इसका गिवन है आपको 60। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसकी लेंथ सबसे पहले आपको mm में मिलेगी, तो आपको कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको पाई के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जब आप पाई के वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नियर अबाउट इसका आंसर जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर तक। इसको सॉल्व करने के बाद 160 mm तक इसका आंसर जाएगा। सेंटीमीटर में अगर आप लोगे तो हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अभी मैं इसका आपको डेवलपमेंट की जो शीट है वो बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से जनरेट होगी।
सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो लाइन से इसको आपको आगे एक्सटेंड कर लेना है यहाँ से 16 सेंटीमीटर तक, ये फर्स्ट यहाँ से आपको जाना है 16 सेंटीमीटर तक, ठीक है, यहाँ तक मैं आ गया 16 सेंटीमीटर तक। उसके बाद इसकी जो हाइट है वो हाइट आप अभी यहाँ पे आप बना लो 8 सेंटीमीटर की, सेम हाइट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। इस तरह से लेकर आप इसको अभी पहले सबसे पहले कंप्लीट कर लो, ये प्रोजेक्शन यहाँ पे मिलेगा। अभी ये जो 16 है इसको हमने टोटल 12 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 16 को भी आपको टोटल 12 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए अभी आप यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है, 30 का एक एंगल लेना है, और यहाँ से आपको 12 सेंटीमीटर की लाइन बना डालना है। यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये जो लास्ट कॉर्नर है इसको सबसे पहले आप इसको ज्वाइन कर लो, सभी लाइंस को यहाँ तक पैरेलली खींच लो। उसके बाद इस पहले लाइन को पैरेलल लेके इसको आप वर्टिकली प्रोजेक्ट कर लो अपने शीट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शीट को नेमिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो नेमिंग कर दिया हमने, इसके बाद अब आपका काम है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जहाँ जहाँ पे ये लाइन टच की है इसने प्रोजेक्शन को, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, सारे पॉइंट को आप यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर, देखिए यहाँ पे मिल गया, और इन सब के प्रोजेक्शन आप अपने डेवलपमेंट में लेके जाओ। ये सारे पॉइंट यहाँ तक आप सबसे पहले प्रोजेक्ट कर लिए, ठीक है। इसको भी हम नाम दे देते हैं, इसके बाद ऊपर के भी पॉइंट को नाम दे देते हैं। अब
अभी देखो पॉइंट को कैसे मारते हैं, वन के ऊपर सबसे पहले हमको पी मिलेगा, यहाँ पे जो पॉइंट है उसका नाम है पी डैश। उसके बाद टू के ऊपर हमको पॉइंट मिल रहा है क्यू, टू के यहाँ से मिलेगा अपने को क्यू, थ्री पे मिलने वाला है आर, फोर पे मिलने वाला है अपने को यस, फाइव पे मिलेगा टी, सिक्स पे मिलेगा अपने को यू, सेवन पे मिलेगा वी, ठीक है। उसके बाद अभी नेक्स्ट वाले पे वन पे तो पी दो जगह पे मिलेगा, यहाँ पे यहाँ पे, टू पे दो जगह पे मिलेगा पी, एक यहाँ पे एक ऊपर की तरफ, मतलब एक यहाँ पे, ठीक है, पढ़ने के यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, फोर का कि यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, सिक्स के भी दो पॉइंट मिलेगा अपने को, एक यहाँ पे मिला था अपने को, एक यू यहाँ पे मिला था, एक यहाँ पे मिलेगा ऊपर, ठीक है। और इसके बाद अभी लास्ट वाला पॉइंट सेवन, एक वी यहाँ पे, एक वी यहाँ पे, ठीक है। सेम जैसा आधा शेप मिला है सेम हमें इधर का भी शेप हमको सेम मिल जाएगा। इसको आप कॉपी कर लो इस पॉइंट को, टीका पॉइंट आएगा नाइन के ऊपर एक, ठीक है। सिमिलरली ऊपर के भी पॉइंट मिलेंगे हमको, एक ट्वेल्व के ऊपर क्यू मिलता है, ऊपर का भी क्यू मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू यू वी यू, मतलब अभी सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पे यहाँ तक हमने प्रोजेक्ट कर लिए, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को अभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए जाना है, इसका सीक्वेंस के हिसाब से उसको ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका पी का पॉइंट पी टू पी, ठीक है, दोनों साइड में पी टू पी, इसको ज्वाइन करते हैं सबसे पहले। इतना होने के बाद अभी पी क्यू आर एस, इसको ज्वाइन करना है हमको फ्रेंच कॉर्ड से, ठीक है। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसके बाद में एस टी यू वी, इसको भी हमको ज्वाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी ए क्यू आर एस, सिमिलरली इस साइड के जो पॉइंट्स है उसको भी एक बार ज्वाइन कर लें, पी क्यू आर एस टी, इसके
उसके बाद वी, एक यहाँ पे यू पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर। सिमिलरली दिस सेट ऑल्सो जॉइंट, इस सेट को भी यहाँ पे अभी कनेक्ट कर लो। फाइनली आपको इस तरह का जो शेप है वो जनरेट हो जाएगा। इसका शेप यहाँ पे थोड़ा आप इस तरह से भी ले सकते हो। एक मिनट, इसका करेक्ट शेप रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हुआ फाइनल कंप्लीट। ये क्वेश्चन आता है आपको 6 मार्क के एग्ज़ाम में। सिक्स मार्क के लिए आपको ये सारी शीट तक आपको यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो फिर आप बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।